सोनी सुपर कुकिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ दो आलू से बनाएंगे ऐसा स्नैक्स जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इतना क्रिस्पी और कुरकुरा, वीडियो को पूरी देखिएगा, आप देखते ही बनाना चाहेंगे। कम सामान में कुछ ही मिनटों में अपना स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। हमने दो आलू बड़े साइज के अच्छे से उबाल के कद्दूकस कर लिए। अच्छे से अपने आलू को मैश करें, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। आलू को अच्छे से ठंडे करके लें। ज़्यादा गर्म आलू लेंगे तो आलू में पानी रहेगा तो स्नैक्स अच्छा नहीं बनेगा। आधी छोटी चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हम साबुत जीरा डालेंगे ताकि हमारे स्नैक्स में अच्छी खुशबू और फ्लेवर आए। आधी छोटी चम्मच हम नमक की डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें। 4 चम्मच भर के हमारा रोट के डालेंगे ताकि हमारा नाश्ता अच्छा क्रिस्पी बने। 1 चम्मच भर के हम मैदे का डालेंगे। आपके पास कई ऑप्शन है, आप चावल का आटा डालें, अरारोट डालें या कॉर्न फ्लोर डालें। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। एक टिप और आपके लिए है, अगर आप चावल का आटा डालें तो 1 पिंच मीठा सोडा डालें तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। सभी चीज़ों को अपनी अच्छे से मसलते ही मिलाएंगे ताकि हमारे मसाले में कोई आलू में गुठली ना रहे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले अच्छे से मसलते मिलाएं। अच्छा सा सख्त डो लगाएंगे, बिल्कुल भी लिक्विडी नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा सख्त डो होगा अपना, उतनी ज़्यादा क्रिस्पी अपना स्नैक्स बनेगा। ना कोई ज़्यादा मेहनत, ना कोई ज़्यादा मसाले, ऐसी हल्के फुल्की चीज़ों से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। थोड़ा सा अरारोट डालेंगे, आप मैदा भी डाल सकते हैं ताकि हमारा डो चिपके ना। ऐसे हम हल्का सा फैलाएंगे, हल्का हल्का बेलन से बेलेंगे, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं बेलेंगे। ऐसे किनारे अच्छे से सेट करते हैं बेलेंगे ताकि एक जैसा हमारा स्नैक्स बने। ऐसे बेल के हम एक चाकू से कट करेंगे। इतना आसान अपना स्नैक्स बनेगा, आप कुछ ही मिनटों में बना के बच्चों से खिलाएं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। पहले हम ऐसे साइडों से मिश्रण हटाएंगे, ऐसे कट करके हम दोबारा बेल लेंगे। हम इस तरीके से फिंगर की सेम में बनाएंगे, आप किसी भी सेम में बना के खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। इस तरीके से हम आधे इंच की गैप पे कट करेंगे। सभी स्नैक्स हम इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे, आप देख सकते हो, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसे बना के हम एक प्लेट में निकालेंगे। अपने डो को अच्छे से सख्त रखें, ज़्यादा ढीला रहेगा तो अच्छे नहीं बनेंगे। आप अपने स्नैक्स को इस तरीके से कट करके 4 से 5 दिन तक भी फ्रिज में स्टोर करके रखोगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी कुछ क्रिस्पी और करारा खाने का मन करे तो फटाफट से निकाल के फ्राई करके खाएँ। अपने स्नैक्स को इस तरीके से बना के अगर आप स्टोर करना चाहें तो किसी कंटेनर में टिश्यू पेपर लगा के अपने स्नैक्स पे इस तरीके से अच्छे से अरारोट लगा के स्टोर करें तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अपने ऑयल को गर्म करके हम अपना स्नैक्स डालेंगे। गैस को अपनी बिल्कुल स्लो रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे। ऊपर से तो जल जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, अच्छे क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल स्लो आँच पे हल्के हल्के सिकेंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। ज़्यादा गर्म ऑयल में ना अपने स्नैक्स को डालें। डालते ही अपने चम्मच से नहीं चलाएंगे, जब हल्के से सुनहरे होने लग जाएं तो ऐसे हिलाएं, उल्टते पलटते अच्छे से क्रिस्पी करेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे तो जल जाएंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में घंटी के बटन को दबा के ऑन करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप तुरंत देख सकें। ऐसे चलाते अच्छे से फ्राई करेंगे, जब अच्छा कलर आ जाए, बढ़िया क्रिस्पी हो जाए तो निकाल लेंगे। इस तरीके से हम अपनी एक प्लेट पर जाली लगाएंगे ताकि हम अपना स्नैक्स डालें, भाप की वजह से जल्दी सोगी ना बने। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक और टिप्स अजमाएंगे तो अपनी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनती है। आप इस तरीके से अपना गर्मा गर्म स्नैक्स बना के खाएं, आप सुन सकते हो आवाज़, बहुत ही ज़्यादा यमी और अमेजिंग बनता है। इस तरीके से अपने स्नैक्स को सर्विंग करेंगे। आप भी इस तरीके से एक बार बना के अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। मनपसंद सॉस के साथ खाएं, गर्मा गर्म चाय के साथ मेहमानों के लिए बनाएं, यही पूछेंगे कैसे बनाया, इतना ज़बरदस्त और अमेजिंग बनता है। आप देख सकते हो बाहर से कितने क्रिस्पी हैं, इतनी बढ़िया जालीदार स्नैक्स बन के तैयार होगा, टेस्टी और स्वादिष्ट बने हैं, बनाते बनाते ही ख़त्म हो जाएंगे। हमने यहाँ पे 3 आलू धो के अच्छे से छील के लिए, ये ऐसे कट करेंगे।
पतले पतले स्लाइस में हम अपने आलू को कट करके लेंगे। ऐसे लंबे लंबे स्लाइस करें, पानी में डालते रहेंगे ताकि हमारा आलू काला ना पड़े। पतले स्लाइस में कट करेंगे तो हमारा स्नैक्स कुछ ही मिनटों में बनेगा, अच्छे क्रिस्पी भी बनेंगे। 2 से 3 पानी से अच्छे से धो के लेंगे ताकि आलू का सारा स्टार्च निकल जाए। अपने आलू को अच्छे से धो के पानी निकाल के एक बोल में डालेंगे। आधी चम्मच हम हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। ध्यान रहे हमने हरी मिर्च भी डाली है। 1 छोटी चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हम नमक की डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें। ध्यान रहे हमारे चाट मसाले में भी नमक होता है। सभी मसालों को अपने आलू के साथ अच्छे से मिलाएं ताकि हमारे आलू अच्छे से कोट हो जाएं। साथ ही हम 2 चम्मच अरारोट के डालेंगे ताकि हमारा स्नैक्स बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बने। साथ ही हम 1 चम्मच भर के बेसन के डालेंगे। पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही मिलाएंगे अपने बेसन के साथ। अपने आलू को अच्छे से कोट हो जाएंगे। नमक आलू पे डालते ही जूस निकलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे फटाफट से मिलाएंगे। जितनी देर में हमने अपने आलू पे मसाला लगा के तैयार किया, इतनी देर में ही हमारा ऑयल भी गर्म हो गया। जब अपना ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम अपना स्नैक्स डालेंगे। अपने ऑयल को अच्छे से गर्म करके मीडियम आंच कर देंगे। अपने स्नैक्स ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे तो जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऐसे मीडियम आंच पे हल्के हल्के सिकेंगे तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। चलाते ही अच्छे से फ्राई करेंगे। ठंडे ऑयल में भी अपने आलू नहीं डालेंगे तो ऑयली बनेंगे। अच्छे से चलाते बढ़िया कलर आ जाए, अच्छे क्रिस्पी हो जाए तो तभी निकालेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे हमारे आलू अच्छे क्रिस्पी होने लग जाए तो हम निकाल लेंगे हाफ फ्राई करके। ऐसे हाफ फ्राई करके निकालोगे तो डबल फ्राई करने से बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। ऐसे आप हाफ फ्राई करके स्टोर कर सकते हैं। जब भी कुछ क्रिस्पी खाने का मन करे, गर्मा गर्म चाय के साथ दोबारा फ्राई करके खाएं। दोबारा अपना ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम हाफ फ्राई करेंगे। ये वाला स्नैक्स अपना कुछ ही मिनटों में बनके तैयार होगा, बिल्कुल कम सामान में, कम मेहनत में। इस तरीके से बना के तैयार करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो हम निकाल लेंगे। 1 प्लेट में हम अपने ऐसे जाली लगाएंगे, अपना स्नैक्स डालेंगे। ये आप छोटी छोटी ट्रिक और टिप फॉलो करोगे तो आपका स्नैक्स बिल्कुल भी सोगी नहीं बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा और क्रिस्पी करारा। आप इस तरीके से मनपसंद सॉस के साथ खाएं, इतना स्वादिष्ट लगता है। आपका स्नैक्स खत्म हो जाएगा पर मन नहीं भरेगा, इतना अमेजिंग। आप एक बार बना के ट्राई जरूर करें, बहुत पसंद आएगा आपको। गर्मा गर्म स्नैक्स को अपने सर्विंग करें। इस तरीके से बना के एक बार ट्राई जरूर करें। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी लेके आते रहेंगे। We'll be right back.